हेलो बच्चों, अब हम लोग पार्ट फाइव पढ़ते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, प्लस और माइनस चार्जेस का, कैसे वो कहाँ जीरो होगा। प्लस प्लस में तो एकदम क्लियर था, प्लस प्लस में चाहे कोई भी वैल्यू हो, बीच में कहीं, मतलब उस जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके बीच में कहीं न्यूट्रल पॉइंट मिलता। प्लस माइनस में भी क्या कोई न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है? प्लस से माइनस की तरफ सारे चार्ज जाते हैं, ये देखो अबे ऐसे माइनस का टूवर्ड्स। थोड़ा मुश्किल लग रहा है आइडिया लगाना, बट एक आइडिया लग सकता है एक तरीके से। प्लस और ये माइनस, प्लस का जो फील्ड है वो उससे दूर जाता है, हर तरफ दूर जाएगा, हर तरफ दूर जाएगा, हर तरफ ऐसे। और माइनस के फील्ड को डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है प्लस का फील्ड, पॉजिटिव फील्ड, और दो लाइन है नेगेटिव फील्ड, नेगेटिव फील्ड। तो माइनस का फील्ड उसकी तरफ आता है, माइनस का फील्ड उसकी तरफ आता है। बट यहीं पे तो तुम्हें आंसर क्लियर दिखने लगेगा। यहां तो सारे फील्ड सपोर्ट कर रहे हैं, वेक्टोरियली दे आर सपोर्टिंग इच अदर। तो यहां जीरो होने से रहा, यहां अपोज कर रहे हैं और यहां अपोज कर रहे हैं, तो बीच में नहीं बट इधर या इधर में से कहीं भी नेट फील्ड जीरो मिल सकता है आपको। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं। अच्छा, इसमें आप किधर भी मान लो, किधर भी वैल्यू लो, सपोज आपने वैल्यू गलत ले ली है, मतलब लेफ्ट की बजाय राइट होना चाहिए, देन और आंसर मस्ट बी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब जो आपने डायरेक्शन चूज किया वो डायरेक्शन सही नहीं है, उसका ऑपोजिट वाला सही है। तो मान लेते हैं एक चार्ज क्यू यहां है, माइनस क्यू, और एक चार्ज प्लस 4q यहां है, बीच में डी डिस्टेंस है। तो यहां होगा नहीं, हम यहां मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, न्यूट्रल यहां आएगा, प्लस का अवे, माइनस वाला टूवर्ड्स, ये डिस्टेंस एक्स है, यहां से वो डिस्टेंस डी प्लस एक्स हो जाएगा। सो एट एन के क्यू कैंसिल हो गया, इसको उधर ले जाते हैं, 4 को यहीं छोड़ देते हैं, एक्स हो गया। तो यहां पे हो जाएगा डी प्लस एक्स इज 2x, डी इज एक्स। तो आंसर मिल गया। करेक्ट बेटा, नोट कर लीजिए। अब इसको जनरलाइज कर देते हैं। मान लो प्लस क्यू लिया, माइनस 4q ले लिया, एन लिख देता हूं, इसको जनरलाइज करना है हमें। मैं इसलिए चेंज कर दिया बिकॉज आंसर में कोई चेंज नहीं आता। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ, बिकॉज आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ये 12th वाले बच्चे, तो उनके लिए कॉन्फिडेंस उनका अप होना बहुत जरूरी है। यहां पे प्लस का रिपल्सिव, माइनस का अट्रैक्टिव। अब मैं लिखूंगा एट एन ई क्यू इज ई 4q, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, के 4q डी प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो डी प्लस एक्स अपॉन एक्स 4, लाइक प्रीवियस। आ गया समझ में? तो सिचुएशन माइनस क्यू 4q हो या प्लस 4q माइनस क्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन आप माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों में ही, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस 4 हो जाएगा, वही होगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। सो कॉन्फिडेंस अप होना जरूरी है आपका।
याद रखना जो हैवी चार्ज होगा उससे दूर वाले जोन पे फील्ड नेट जीरो होगा, ये थोड़ा आइडिया आपको लगाना होगा। आइडिया कैसे लगाना होगा, ऐसे डायग्राम साइन ड्रॉ करके, माइनस का अट्रैक्टिव फील्ड होता है अपनी तरफ, प्लस का रिपल्सिव फील्ड होता है, और ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। कहीं भी अगर आप फंसे रहोगे डाउट में कि क्या होना चाहिए, तो आप ये मेरा कॉन्सेप्ट याद रखना, ये आपको हेल्प करेगा। इनफैक्ट अभी आगे भी ये हेल्प करने वाला है हम लोग को। एक जनरल इक्वेशन में ड्राइव करके आपको देता हूं। मान लो ये माइनस एन क्यूब है, यहां सिंगल चार्ज से मानना, अगर ये सिंगल नहीं है तो किसी एक को सिंगल कर देना डिवाइड करके, इससे पहले वाले में प्लस आया था या माइनस आया, और याद रखिएगा इट इज वैलिड फॉर ऑल। एक एग्जांपल और करके दिखाता हूं, मैं थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल ले लेता हूं, नोट करिए तब तक आप लोग। जितना ज्यादा एग्जांपल सॉल्व करेंगे उतना कॉन्फिडेंस मिलेगा आप लोग को। माइनस टू क्यू प्लस क्यू बाई टू। अब मान लो मैं लेफ्ट हैंड ही लिखना चाहता हूं, सपोज मैं लेफ्ट हैंड लिखना चाहता हूं, वैसे बड़ा है ये तो इधर कहीं होगा टेक्निकली, बट फिर भी मैं अपने हिसाब से सॉल्व करना चाहता हूं। ये डिस्टेंस सपोज 10 मीटर है, मैं इसे लिखूंगा माइनस क्यू। कैसे आया ये माइनस क्यू, टू से डिवाइड करने पे, तो ये क्यू बाई फोर हो गया। अब मैं यहां न्यूट्रल एज्यूम कर रहा हूं एक्स डिस्टेंस पे, बिकॉज आंसर हमेशा मुझे फॉलो करेगा, मैं जैसे लिखूंगा वही सही होगा। x इज इक्वल टू माइनस टू डी, यानी मतलब ये हुआ न्यूट्रल यहां है माइनस, यहां से x इज इक्वल टू माइनस टू डी ये हो जाएगा, ये हमने इधर लिया था माइनस टू डी, इधर यहां न्यूट्रल मिलेगा, यहां न्यूट्रल मिलेगा। माइनस टू डी मतलब मैंने जो ये वैल्यू इधर ली थी अब वो इधर होगी। मुझे लगता है ये सफिशियंट एग्जांपल है आप लोग को समझाने के लिए। तो ये था प्लस और माइनस के लिए। अब मैं पार्ट सिक्स में आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे, लाइन चार्ज लिया जाता है उससे फील्ड, लेकिन उससे पहले भी अभी रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ रिंग है उसके एक्सिस पे, मैं इसी वीडियो में आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग कैसे आएगा।
नोट कर लीजिए इसको। ये यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, मुझे इसके एक्सिस पे ये क्यू चार्ज है, मुझे इसके एक्सिस का रेडियस आ रहा है, मुझे इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। आप लोग सोचिए कैसे पता करेंगे। ये ऐसे ही है जैसे ये एक रिंग है, ये एक रिंग है और इसके एक्सिस पे यहां पे आपको फील्ड चाहिए। तो कोई भी एक चार्ज पिक करोगे तो वो कोन बनाएगा ऐसे, इस पॉइंट पे कहीं से भी चार्ज पिक करो उसकी फील्ड कोन की तरह मूव करेगी उस पॉइंट पे। तो मैं थोड़ी देर के लिए ये छोटा सा चार्ज लेता हूं DQ और ये आर डिस्टेंस होगा और पॉजिटिव चार्ज बता चुका हूं, पॉजिटिव चार्ज से रिपल्सिव फील्ड होता है, तो ये इसका फील्ड होगा DE। अगर ये थीटा है, ये एक्स एक्सिस मान लो, तो ये भी थीटा होगा। अब अगर मैं DE की वैल्यू निकालूं तो होगा KdQ/r2। r है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका रिजॉल्व करते हैं अलोंग द एक्सिस पैरेलल टू द लाइन। पैरेलल टू द लाइन बोलना ठीक होगा बिकॉज अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं, बिकॉज ये रिंग ऐसे रख दिया जाएगा तो वाई एक्सिस आ जाएगा। एंड वन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक तो तरीका यहीं से इंटीग्रेट कर लें, बट इसके ठीक ऑपोजिट एक और चार्ज है आपको उस टाइम दिख सकता है जो इसके इस कुछ पार्ट को काउंटर कर सकता है। देखो कैसे, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायगनली ऑपोजिट एक पॉइंट लो जो सेम ओरिएंटेशन पे होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा और सेम वैल्यू देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेम थीटा पे। इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट आएगा वो भी सेम देगा और एक इधर वाला कंपोनेंट आएगा एक्स एक्सिस वाला जो सेम इसके साथ ऐड करेगा। हमने दोनों को रिजॉल्व कर लिया, दोनों को कट कर देते हैं। तो अगर हम टू एलिमेंट्स एक साथ लेते हैं तो उन दो का इफेक्ट यहां दिखेगा और 2DE cos थीटा पैरेलल होगा और ये कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एलिमेंट यू विल फाइंड अदर वैल्यू ऑफ एलिमेंट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। DE net 2DE cos थीटा, 2DE की वैल्यू होगी KdQ, cos थीटा की वैल्यू होगी X/r, x भी कांस्टेंट r भी कांस्टेंट,
भी कांस्टेंट, डी क्यू। अब जीरो टू क्यू करें या जीरो टू क्यू बाई टू करें, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो वी हैव कंसीडर्ड टू एलिमेंट्स एट अ टाइम। तो जब हम दो एलिमेंट एक साथ ले लिए हैं तो हमारे पास ऑलरेडी टू क्यू है, टू डी क्यू है, तो आधा रिंग इंटीग्रेट करेंगे, बिकॉज जैसे एक पॉइंट पिक करेंगे उसका ऑपोजिट एंड हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो इसलिए जीरो टू क्यू बाई टू, टू के एक्स अपॉन आर क्यूब, डी क्यू का क्यू हो जाएगा, जीरो टू क्यू बाई टू, तो क्यू बाई टू आ जाएगा, टू कैंसिल, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, ई नेट और वैल्यू यहां से मैं लिख देता हूं, ये जो है। अब इसमें भी हम लोग कुछ वैल्यूज लिख देंगे, x इज जीरो, x जीरो यानी सेंटर पे, तो सारे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, x इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू r, तो इस केस में बहुत दूर पे नीचे x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर विल बिकम x स्क्वायर ओनली, तो ये हो जाएगा k क्यू x अपॉन x क्यूब, k क्यू बाई x स्क्वायर, वेरी लार्ज पे ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम भी होती है, तो अगर हम फॉर e इज इक्वल टू e मैक्स देखें तो हमें डी ई बाई डी एक्स जीरो करना होता है। क्या होता है कि जब यहाँ पे जीरो है फिर बढ़ रही होगी वैल्यू, एक टाइम बाद घटती भी है वैल्यू। इसके ग्राफ को अगर मैथमेटिकली ऑब्जर्व किया जाए तो इसका वेरिएशन आता है, वो वेरिएशन मैं आपको बता देता हूँ। उसको बायो ग्रुप के बच्चों को सोचना नहीं है कैसे आया, दे नीड टू ड्रॉ इट ओनली, आपको सिर्फ ड्रॉ करना है, और इंजीनियरिंग ग्रुप के बच्चों को डिराइव करना है और उनका डेरिवेशन मस्ट है। वो ये नहीं सोच सकते हैं कि हमने हमें भी रट लेना है, वो को डिराइव करना ही करना है। एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे यही स्किल वर्क करती है आपकी। तो अगर मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूं तो उनको सिर्फ याद करना है, इधर भी फील्ड अवे, इधर भी अवे, इसको अगर हम एक्स एक्सिस माने, वाई इसको वाई को ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है फिर घटता है, आर बाई रूट टू पे नेगेटिव वैल्यू होती है ई मैक्स, ई मैक्स फॉर नेगेटिव, और माइनस आर बाई रूट टू, मॉडुलस ई लिखो, ये कर्व है ई मैक्स, ये आप लोग की पार्ट सिक्स है। थैंक यू, इसको नोट कर लीजिए।